हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेनिया इन लाइव। एज यू ऑल नो कि मैंने जो है अपने चैनल पर बिजनेस स्टडीज के काफी वीडियोस कवर कर रखे हैं क्लास 12 के साथ में, बीकॉम एंट्रेंस के भी कुछ वीडियोस मैंने कवर की हैं, मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था। एंड अब जो है मैं स्टार्ट के साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये स्टार्ट जो है क्लास 11th के बच्चों के लिए एंड इवन ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जो बीकॉम बीबीए का एग्जाम्स देने वाले हैं, स्पेशली जो विद्यापीठ के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, ये वीडियो मैंने उनको ध्यान में रखते हुए बनाई है। पहली वीडियो में मैंने सीरीज कवर किया है। सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है जनरली ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, आगे चल करके जो है उनको दिक्कत आती है कि आखिर ये इन तीन सीरीज के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे वो रिकॉग्नाइज। बहुत से बच्चे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, वो सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, मीन मीडियम मोड सब पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जो है रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कौन सी इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सी डिस्क्रीट है, कौन सी कॉन्टिन्यूस है, जिसकी वजह से उनको फॉर्मूले रिमेंबर करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। बट हम जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एंड मैं कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम्स के पहले मैं आपका पूरा सिलेबस जो है, स्पेशली विद्यापीठ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम देना है अभी फिलहाल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उनके एग्जाम के पहले मैं कोशिश करूंगी कि सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूं। सारे टॉपिक्स कवर करना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आई ट्राई माय बेस्ट। सो स्टार्टिंग द सीरीज, सीरीज में आपको तीन तरह की सीरीज समझनी है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रखा है, आप जो है इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन ये जो सीरीज होती है ये जो है इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पर देखो 1, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, सिर्फ मैंने एक एक्स डेटा लिया, वो डेटा मैंने लिख दिया, तो ये क्या है आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। सेकेंड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब की दो, टाइम मीन्स दो, तो यहाँ पर जो है दो कॉलम्स होंगे, एक एक्स का दूसरा एफ का। X जो है ये आपकी डेटा है, X क्या है, X आपकी ओरिजिनल डेटा है, X जो है आपकी डेटा है जिसको आपने अपने हिसाब से बाइफरकेट किया है, अपने हिसाब से क्लासिफाई करके इसको जो है आपने सीरीज बनाई है। अब देखो 3 के सामने 2 लिखा है, 3 के सामने 2 लिखा है, तो इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का ये मतलब है कि आपके डेटा में 3 दो बार आया, 3 जो है 2 टाइम्स आया, 5 जो है 3 टाइम्स आया, 7 1 टाइम आया, 9 2 टाइम्स आया, 11 7 टाइम्स, 13 4 टाइम्स, 15 3 टाइम्स, 17 2 टाइम्स एंड 19 1 टाइम। तो सीधी सी बात आप समझ लो, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम अ डेटा इज बीइंग रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम अ डेटा इज बीइंग रिपीटेड। ओके, तो आई थिंक आपको जो है डिस्क्रीट सीरीज क्लियर हो गया है। एक तरीके से और आप इसको समझ लो, जैसे कि अगर हमने ये दो कॉलम्स नहीं बनाए होते, x का और f का कॉलम नहीं बनाया होता, तो आप इसको कैसे लिखे होते, 3 फिर 3 5 5 5 7 9 9 एंड देन 11 को 7 टाइम्स एंड सो ऑन। तो इसको जो है अगर हमने दो कॉलम्स में लिख दिया तो ये जो है देखने में कितना सिंपल और अच्छा दिख रहा है, एंड इसको देख करके हम पहचान भी सकते हैं कि 3 जो है 2 टाइम्स आया, 5 जो है 3 टाइम्स आया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि आपकी डिस्क्रीट सीरीज है। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्टिन्यूस सीरीज की, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, एक रेंज होती है, जैसे यहाँ पे मेंशन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड देन 70 से 80। यहां पर देखो आप 0 to 10 मतलब कि 0 से 10 वाली रेंज में दो नंबर्स फॉल किए, इसलिए जो है इसके सामने फ्रीक्वेंसी में 2 लिखा है। 10 से 20 में 3 नंबर्स आए, 20 से 30 में 1 नंबर आया, 30 से 40 में 5 नंबर्स हैं, 40 टू 50 में 2 नंबर है एंड सो ऑन। तो ये जो है आपकी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। फर्दर ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है इसमें जो है एक इंक्लूसिव सीरीज होती है, दूसरी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कौन सी इंक्लूसिव सीरीज है एंड कौन सी एक्सक्लूसिव सीरीज है। बहुत बार जो है आपके क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दे देता है, उसको जो है हमें कन्वर्ट करना होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में एंड फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो फर्दर जो है इसके बाद में आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का एग्जाम्पल बताने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है और ये इंक्लूसिव सीरीज।
एक्सक्लूसिव सीरीज में आपने रेंज देखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60. ये जो 0 है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो 10 है, 10 है आपकी अपर लिमिट. इन द सेम वे इसमें जो है 10 आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी, 20 आपकी अपर लिमिट हो जाएगी. तो यहां पर देखो, जिस भी आपके सीरीज में पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट के बराबर है, पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट के बराबर है, तो ऐसी सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं. और इसका नाम एक्सक्लूसिव इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो 10 है, इस 10 को हम इसमें से एक्सक्लूड करके इसमें इंक्लूड करेंगे. एक बार और समझ लो, ये जो 20 है, 20 को हम 10 से 20 में इंक्लूड नहीं करेंगे, 20 को हम 20 से 30 में काउंट करेंगे, इसलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव सीरीज पड़ा. अब हम बात करें इंक्लूसिव सीरीज की, तो यहां पर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60. मतलब कि ये जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट को हम इसी में, इसी सीक्वेंस में, इसी सीरीज में इंक्लूड करेंगे. ये जैसे 1 टू 10 है ना आपका, तो 1 टू 10 में ही 10 को हम इंक्लूड करेंगे. 11 टू 20 है ना, 20 को ही, 20 को हम 11 टू 20 में ही इंक्लूड करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा इंक्लूसिव सीरीज. अब जो है ये समझना जरूरी है कि हम जो है इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पुट कर देता है कि कन्वर्ट द सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, या फिर ये बोल देता है कि ये क्वेश्चन दे दिया एंड आपको मीन कैलकुलेट करना है या मीडियन कैलकुलेट करना है या मोड कैलकुलेट करना है. देन व्हाट यू डू, यू कन्वर्ट द सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज एंड उसके बाद आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हो. तो यहां पर देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे. एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि इन दोनों के डिफरेंस का हम एवरेज निकाल लेंगे. ठीक है, तो ये आ गया हमें 0.5. तो ये जो 0.5 है ये एडजस्टमेंट फैक्टर है. What you have to do, you have to subtract it from the lower limit and then add to the upper limit. Subtract it from the lower limit and add to the upper limit. तो यहां पर आप देख सकते हो 1 में 0.5 माइनस किया तो आपका आया 0.5. 10 में अगर 0.5 हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया 10.5. सिमिलर वे 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5, 50.5 से 60.5. अब जो ये सवाल उठता है, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं, आपको जो है यही सेम फ्रीक्वेंसीज यहां पर लिख देनी है. फ्रीक्वेंसी को आपको चेंज करके नहीं लिखना है, एज इट इज आपको लिख देना है. तो यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 1, 4, 3, 6 एंड देन 2. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है मैं आपको बताने वाली हूं, कुछ केस में जो है लेस देन दिया रहता है, कहीं पे मोर देन दिया रहता है, उसको जो है हमें पहले क्लास इंटरवल, नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होता है एंड फिर जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. स्पेशली विद्यापीठ में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, लेस देन भी दिया रहता है, एक रेंज भी दी रहती है, साथ में जो है आपकी मोर देन सीरीज भी दी रहती है. तो लेस देन, मोर देन और उस पूरे डेटा को हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, हमें जो है क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होता है एंड उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है. तो अब जो है नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि लेस देन और मोर देन को नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने दो सीरीज मेंशन की, एक लेस देन दूसरी मोर देन. अब जो है इस लेस देन से हम सीआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस मोर देन सीरीज से हम जो है सीआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखने जा रहे हैं हम. या मेरे को लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब 10 से कम, 10 से कम है और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है 20, मतलब कि जो डिफरेंस आप रखोगे 10 10 का रखोगे, क्योंकि 20 माइनस 10 10 हुआ,
तो यहाँ पर जो है आप 10 में से 10 माइनस करोगे कितना आया 0, तो ये पहला बना आपका क्लास इंटरवल 0 से 10 का, देन 10 से 20 का, 20 से 30 का, 30 से 40 का, एंड देन 40 से 50 का। देखो लेस देन 50 बोल रहा है ना, मतलब 50 से छोटा, तो 40 से 50 का। अब हमें करना क्या है, पहला नंबर तो एज इट इज लिख देना है, क्योंकि 10 से छोटा मतलब कि ये पूरा 0 टू 10 में आ जाएगा, तो पहले फ्रीक्वेंसी हमको बिल्कुल एज इट इज लिख देनी है। फिर क्या करना है दूसरी में, यहाँ पे देखो अगर हम इसको इस तरीके से समझें, ये 0 है, ये 10 है और ये 20 है, 0 से 10 अगर आपका 5 है और 0 से 20 अगर ये आपका 17 है, तो ये वाला जो जगह है, ये वाली जो स्पेस है, ये निकल के आ जाएगी 17 माइनस 5 12। तो सीधा सा आपको क्या करना है, 17 में से 5 माइनस करके आपको यहाँ पे लिख देना है, तो कितना आया 12। अब इसके बाद देखो 30 में से 17 माइनस करो कितना आएगा 13, 35 माइनस 30 5 एंड देन 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेस देन सीरीज को, लेस देन वाले को हम सीआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मोर देन पर। अब बोल रहा है मोर देन 0 मतलब कि 0 से बड़ा, और 10-10 के गैप है, तो यहां पर आप स्टार्ट करोगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ठीक है, एक चीज और आप कर सकते हो, यहां पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कि हमें यहां पर स्टॉप हो जाना है। अब यहां पर हमने क्या किया था, ऊपर वाला एस इट इज लिख दिया था एंड देन हम माइनस करते करते आ गए थे, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि नीचे वाला एस इट इज लिख दो, नीचे वाला एस इट इज लिख दो एंड फिर माइनस करते हुए चले जाओ। 6 माइनस 1 5, 19 माइनस 6 13, 31 माइनस 19 12 एंड देन 36 माइनस 31 5। एक तरीका और है, आप डायरेक्टली ऊपर से जो है माइनस करते हुए आओ, 36 माइनस 31 5, 31 माइनस 19 12, 19 माइनस 6 13, 6 माइनस 1 5 एंड 1 को आप एज इट इज लिख दो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेस देन और मोर देन सीरीज को सीआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो है यहीं पर मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपके पास ये सीआई है तो आप इसको लेस देन में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो 10 है तो 10 से छोटा आपने स्टार्ट किया लेस देन 10, फिर वही लेस देन 20 30 40 एंड देन 50। इस तरीके से आप ये लिख लोगे, पहला नंबर आपको एज इट इज लिख देना है एंड अब हम लेस देन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, मतलब 20 से पूरा छोटा, मतलब इन दोनों को ऐड करके लिखो 17, फिर 17 में ये 13 ऐड करके लिखो 30, देन 30 प्लस 5 35 एंड देन 35 प्लस 1 36। तो हमें वापस से जो है ये सीरीज मिल गई। इसी तरीके से हम मोर देन भी कर सकते हैं, आप जो है सबसे पहले ये नीचे वाला लिख दो, नीचे वाला लिखा आपने 1, देन 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 13 19, 19 प्लस 12 31 एंड देन 31 प्लस 5 36। तो इस तरीके से आप सीआई को मोर देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें जो है आपका लेस देन भी दिया हुआ है, मोर देन भी दिया हुआ है, तो इसको जो हमें नॉर्मल सीआई की सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो ये हम कैसे करेंगे। ऑब्वियसली जो लेस देन के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं एंड जो मोर देन के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, वो दोनों को साथ में हम यूज करके तब जो है हम इसको सीआई में कन्वर्ट करेंगे। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, की ये जो क्वेश्चन है ये विद्यापीठ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है विद्यापीठ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर साल जो है आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आप जो है देख सकते हो कि यहाँ पर लेस देन भी दिया है, मोर देन भी दिया है, इसको जो है हमें साथ में कन्वर्ट करना है सीआई में। अगर आप इसको ध्यान से कन्वर्जन नहीं करते हो तो क्या होगा, तो जो है आप सीरीज बनाने में गलती कर दोगे, एंड सीरीज बनाने में गलती कर दोगे तो भले आगे का प्रोसीजर आपने एकदम सही किया, लेकिन जो है जब स्टार्टिंग में ही गलत हो गया तो फिर तो गलत ही हो जाएगा ना, फिर तो आप भले कितना अच्छे से फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ के जाओ, वो जो है उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप सीरीज में कैसे इसको सही से कन्वर्ट करेंगे। तो
तो आइए सीखते हैं हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पर जो सबसे पहले आप दो कॉलम्स बना लो, एक क्लास इंटरवल का और एक फ्रीक्वेंसी का। यहां पर देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहां से जब आप इतना देखोगे तो यहां से आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो क्लास इंटरवल है वो 5-5 की है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 5-5 का ही डिफरेंस है। तो यहां पर जो है आप स्टार्ट करोगे 0 से 5 क्यों, क्योंकि लेस देन 5 की बात कर रहे हैं तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। ओके तो यहां पर देखो 30 एंड अबव मींस इसमें 5 और ऐड कर लो तो 30 to 35 वहां तक हमें इसको फ्रेम करना है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, then 20 से 25, 25 से 30 and finally 30 से 35। अब स्टूडेंट्स जब आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां पर जो है आपको 20 से 25 एसेट्स दिया हुआ है कि वो 20 है, तो आप 20 से 25 में 20 मेंशन कर दो, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। उसके बाद देखो आप लेस देन 5 मतलब 0 से 5 जो है 7 दिया हुआ है तो उसको भी एसेट्स आप लिख दो। फिर बोल रहा है लेस देन 10 का मतलब 0 से लेकर के 10 तक 20 दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों मिलाकर के 20 दिया है तो अकेले ये कितना होगा, ये जो है आपका 20 में से 7 माइनस कर दो आप 13, ये 13 हो जाएगा। उसके बाद देखो आप 5 से 15 दिया है, पूरा 0 से 15 नहीं दिया है, चीज का ध्यान रखना है आपको, 5 से 15 दिया है कितना 38, मतलब कि ये दोनों मिलाकर के 38 है जिसमें से ये आपका ये जो है आपका ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 38 - 13 दैट इज 25। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद देखो 15 एंड अबव बोल रहा है तो इसको आप ऐसे थे छोड़ दो अभी, है ना। अब जो है हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तब जाकर के हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां देखो 30 एंड अबव मींस 30 से 35 1 दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे थे लिख दो। फिर बोल रहे 25 एंड अबव मतलब कि 25 से 35 दिया हुआ है 5, तो जब ये दोनों मिला करके 5 है और ये 1 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 5 - 1 दैट इज 4 आ जाएगी। उसके बाद ये तो हमने निकाल ही लिया, अब फाइनली ये एक बचा हुआ है यहां पर देखो 15 एंड अबव 55 मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये 55 दिया हुआ है जिसमें से हमने ये 3 कैलकुलेट कर लिया है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देना तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो 20 + 4 + 1 = 25, तो 55 - 25 आपका कितना हो गया 30, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो इस तरीके से बच्चों जो है हमें सीरीज कन्वर्ट करनी है एंड इसको ध्यान रख के कन्वर्ट करना है कि कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी केस दे सकता है, तो आपको नंबर समझने हैं कि कहां से कहां तक की वैल्यू दी हुई है, उसके बेसिस पे आपको क्लास इंटरवल फ्रेम करना है। ओके तो आगे की क्लास में मैं मेन स्टार्ट करूंगी, सीरीज में मुझे आपको इतना ही बताना था। एक छोटी सी पॉइंट और आप समझ लो, अगर सपोज मिड पॉइंट दिया हुआ है किसी भी सीरीज में, सपोज इस तरीके से मिड पॉइंट दी हुई एंड इससे अगर आपको सीआई निकालना है, करना कुछ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 10 है, ठीक है 10/2 कितना होता है 5 होता है, तो इसमें जो है आप क्या करोगे 5 माइनस कर दोगे और इसी नंबर में 5 प्लस कर दोगे, तो 5 - 5 = 0 एंड 5 + 5 = 10, 15 - 5 = 10 एंड देन 15 + 5 = 20। तो इस तरीके से जो है आपकी ये सीरीज फ्रेम हो जाएगी। तो स्टूडेंट सीरीज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, इसमें जो है आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह एक बार देख लेना कैसे टैली मार्क्स बनाते हैं वो देख लेना, एंड फर्दर अगर कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं कवर करूं तो वो जो है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोज, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। हैव अ गुड डे, बाय।